नमस्कार मित्रों, मैं हूं नितिन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग आज टेस्ट 14 देखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ सी प्लस प्लस के सवाल हैं, उप्स के सवाल हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एज यूजुअल लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे अबाउट द सोर्स ऑफ, मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ। तो यस, ये जारी जितनी भी सवाल हैं वो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरनेट से कर सकते हैं तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आप वीडियोज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। मैं आपको बस रास्ता दिखा रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं कोई इंद्र भगवान नहीं हूँ कि मैं मैजिक यहाँ शुरू कर दूँ, ठीक है ना। बेसिकली अपने स्कूल में भी जाते हैं या कॉलेज में भी जाते हैं तो अपने पास किताबें तो होती ही हैं ना, तो फिर भी टीचर तो पढ़ाता है। तो अब ऐसा कहना कि भैया किताब से ही वो पढ़ा रहा है, तुम खुद ही पढ़ लो, तब वो क्लास वन का बच्चा थोड़ी ना खुद ही पढ़ लेगा, या क्लास फाइव का बच्चा, या टेन का भी बच्चा, जब तक उसको एक्सप्लेन ना करो। तो एक होता है कि अगर कोई थोड़ा सा एक लाइन बोल दे ना, पढ़ लिया हमने एक लाइन, आई लिव इन इंडिया, ठीक है। लेकिन कोई एक बार उसको एक्सप्लेन कर दे कि भाई आप भारत में रहते हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा देर तक इंप्रेशन होता है आंखों के आगे और दिमाग में। तो मैं बस वही काम कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं टॉपिक पे। ये सब लगा रहता है, ठीक है। शिक्षकों को गाली सुनने की आदत होनी चाहिए, तो मुझे भी है। बस थोड़ा मतलब कि क्या है ना, कभी कभी भाषा का लिहाज नहीं रखते हैं लोग। भाषा का लिहाज रखें, क्योंकि मैं भी आपसे अच्छे से बात करता हूँ, तो आप भी एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे से बात करें। सर, बढ़िया भाषा में भी क्रिटिसिज्म की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल अपना, इसका आउटपुट क्या होगा। सी प्लस प्लस प्रोग्राम दिया हुआ, इसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा अपना आउटपुट, रन टाइम एरर मार देगा। क्यों रन टाइम एरर मारेगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देखिए कि आपने इसका जो लेंथ है वो जीरो से शुरू किया, राइट, जीरो से शुरू किया, और सी आउट जो है वो आपने आई माइनस वन से किया है, ठीक है, आई माइनस वन। तभी यहाँ पहली बार में क्या होगा, आई का वैल्यू जीरो होगा, तो जीरो माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन जो है कोई इंडेक्स नहीं होता है, इसलिए ये रन टाइम एरर मार देगा। सिंटैक्टिकली कोई एरर नहीं है, सिंटैक्स वाइज ये ठीक है, लेकिन जब ये रन करने जाएगा तब जैसे उसको माइनस वन मिलेगा वो एरर मार देगा, ठीक है। दूसरा सवाल, सी प्लस प्लस प्रोग्राम फिर से है, इसका आउटपुट क्या होगा, इसमें ये पूछा गया। अभी इसको अगर आप इंटरप्रेट करना चाहें ना, ये वाला पोर्शन को आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे ये जो इस तरह से लिखे हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं कि रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस एरे, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका अलग है। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें इन्होंने एक एरे माना है, इसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है रिजल्ट, और इसको जीरो लेकर के अब इसको लूप को रन कर दिया, रिजल्ट प्रिंट आउट किया, रिजल्ट 27 आता है। बेसिकली इसका समेशन है पूरे इसका, ठीक है। इसमें एक कैच है जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऊपर से देखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगा, लेकिन जब गौर से देखने बैठेंगे तब वो कन्फ्यूज़ करता है। वो क्या है कि यहाँ पर ना हमने एरे की लेंथ कितनी लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इंडेक्स क्या है हमारा, arrAy 6 पे हमको मिल जाएगा 3, ठीक है। लेकिन ये जो एरे है वो आपका n इक्वल्स टू 7 तक भी रन करेगा, क्योंकि n इक्वल टू 8 पे ये फेल करेगा ना, 7 तक रन करेगा, मतलब n के वैल्यू 7, मतलब कि arrAy इसमें 7, ठीक है। इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको रन करके देखा, ठीक है। तो मैंने देखा कि arrAy 7 पे ये 0 दे रहा था, ठीक है। और इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत इसको स्टडी करने की काफ़ी कोशिश किया कि क्या मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। उसमें है कि अगर जितना तक आपने डिक्लेयर किया वो ठीक है, उसके बाद वो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता है। तो जनरली जो पहला वैल्यू है वो जीरो ही पुट करता है, लेकिन फिर मैंने क्या किया ना कि arrAy 8 प्रिंट करके देखा, तो वो कुछ गार्बेज वैल्यू आ रहा था, 1, 1, 5, 7, 9 ऐसा कुछ करके कुछ गार्बेज वैल्यू आ रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आप समझ लीजिए कि ये सीधा समेशन है, और एक ज़्यादा दे दिया उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। कहाँ गया, और हाँ, इसमें ना ये आपका जो यहाँ पर साइज डिक्लेयर नहीं किया, अगर साइज डिक्लेयर कर देंगे तो फिर एरर मारेगा वो। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सी प्लस प्लस इनपुट एंड आउटपुट ओवर सी इनपुट एंड आउटपुट। सी प्लस प्लस इनपुट एंड आउटपुट का सी इनपुट आउटपुट क्या बेनिफिट है। तो सी प्लस प्लस में क्या होता है ना कि टाइप कास्टिंग खुद से किया हुआ था, या टाइप सेफ्टी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सी आंसर हो जाएगा, टाइप सेफ्टी। जैसे आपने क्या किया कि सी आउट करके, ठीक है, सी आउट करके आपने कुछ डाल दिया, मान लीजिए प्रिंट, ठीक है, प्रिंट ए कर दिया आपने, ठीक है, ऐसा कर दिया आपने। तो जैसे आप ये इस तरह का कुछ करेंगे तो आप ए का कुछ वैल्यू होगा ऊपर, तो ये सीधा प्रिंट कर देगा इसको। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये किस टाइप का है, कैर है, स्ट्रिंग है, वैर है, मतलब फ्लोट है, डबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो ये टाइप सेफ्टी आपको सी प्लस प्लस से मिल जाता है। लेकिन टाइप इसमें क्या है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आप क्या प्रिंट कर रहे हैं। जैसे अगर आप इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट परसेंटेज डी करके आपको ए लिखना पड़ेगा,
इससे ये पता चलता है कि उसमें आपको C++ में आपको टाइप एक्चुअली बताना पड़ता है और C++ में आपको टाइप नहीं बताना पड़ता है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। C++ कोड, ठीक है, आप पाउच के सवाल पढ़ सकते हैं, जैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। ABC3 ये वेरिएबल या एक वैल्यू दो का वैल्यू और ये इसमें टर्नरी ऑपरेटर लगाया। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू होता है तो ये वैल्यू लेगा, अगर ये फॉल्स होता है तो ये वैल्यू लेगा। ठीक है ना, तो ए ग्रेटर देन बी, ए क्या है 2, 2 ग्रेटर देन 7। ठीक है, ये फॉल्स हो गया तो यानी कि बी का वैल्यू लेगा, बी का वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ पे 7 प्रिंट हो जाएगा। हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस इन C++ डिफर। ठीक है, C++ में स्ट्रक्चर और क्लासेस कैसे डिफर करता है, तो हमने देखा है कि क्लास जो है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है और स्ट्रक्चर जो है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। अगला C++ कोड है, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ऑपरेट दो ये ले रहा है, पैरामीटर्स ले रहा है ये, और इसका रिटर्न कर रहा है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये इंट टाइप रिटर्न कर रहा है, यहाँ से फ्लोट होगा। ठीक है, तो ये फ्लोट ले रहा है, ठीक है, डिवाइड करके रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये दो फंक्शंस हो गया। मेन में आ जाइए, मेन में इन्होंने एक वैल्यू लिया है एक्स का, मैंने इंट टाइप में एक्स और वाई का, और फ्लोट टाइप में एन और एम का, दोनों का वैल्यू लिया हुआ है। इन्होंने सीधे इसको ऑपरेट करके कॉल कर लिया है। ठीक है, जैसे ही ऑपरेट करके कॉल किया ऑपरेट, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन ओवरलोडिंग हो रहा है ना, एक ही नाम का फंक्शन है लेकिन अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि एक ही नाम के सम अलग अलग फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक्स एंड वाई क्या है, एक्स एंड वाई अपना इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप वाले को कॉल जाएगा, ए इंटू बी ये कॉल आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 5 to 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और ऑपरेट एन और एम है, ऑपरेट एन और एम फ्लोट टाइप का है, तो एन क्या है, एन 5 by 2 हो जाएगा, 5 by 2 is 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने चूंकि ये लाइन के हिसाब से लिखा है, जब प्रिंट करने जाएगा तो एक टाइप का ही डिफरेंस दिया हुआ है, कोई लाइन का डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, तो एक लाइन में ही प्रिंट होगा, बस स्पेस बीच में होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बीच होगा। अगर ये टैब नहीं दिया हुआ होता ना, तो स्पेस ये ऐसा हो जाता 10, 2.5, 102.5 ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता, चूँकि स्पेस यहाँ पर ये टैब का स्पेस दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपको स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। विच कंसेप्ट अलाउज यू टू रीयूज द रिटन कोड इन C++। रीयूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, तो तेंदुलकर का बेटा तेंदुलकर ही बन रहा है, मतलब क्या है ना, इनहेरिटेंस हो रहा है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ C++ प्रोग्राम, क्या हो जाएगा इसका आउटपुट, ये रहा आपका, तो इसमें एक ट्राई ब्लॉक है, इसका ये कैच ब्लॉक है। ठीक है, दूसरा ट्राई ब्लॉक ये है, इसका कैच ब्लॉक ये है। ठीक है, दो ट्राई ब्लॉक है, ट्राई के अंदर गया, फिर ट्राई के अंदर गया, थ्रो 20, अभी थ्रो कर दिया, थ्रो 20 कर दिया, यानी कि इंट 10, थ्रो 20, इसको 10 मिल गया, सी आउट, अब यहाँ पर यूज़ नहीं किया उस चीज़ को, ये न्यू लाइन कमांड है, तो इनर कैच यहाँ पर पी कर देगा, इनर कैच प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ से इसने फिर से थ्रो कर दिया, तो ये कैच करेगा और ये कैच करके आउटर कैच प्रिंट कर देगा, है ना, तो ये सही है, कुछ इसमें ऐसा एरर नहीं है, इसका आंसर बी हो जाता है। आ जाइए, विच आर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर्स आर प्रोवाइडेड बाई C++ कंपाइलर इफ़ नॉट डिफाइंड इन अ क्लास। ठीक है, ये ऑलरेडी ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये लास्ट पेपर मैंने लास्ट के जो 9th-10th वाला पेपर था उसमें, ये क्यों मैंने डाला है ताकि आपको ये याद हो जाए कि ये तीनों ही सही हैं, इसके कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होगा, असाइनमेंट कंस्ट्रक्टर भी होगा। ठीक है, तीनों ही इसके ट्रू हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाइए, इसका आउटपुट क्या होगा ये पूछा है, तो अब देखिए इन 10 लिया, एन का वैल्यू 5 लिया, वाइड स्टार पी लिया, इसमें एन का एड्रेस स्टोर कर दिया। ठीक है, अभी इंट स्टार पी आई लिया, ये नया लिया, और इंट स्टार पी का, ये पी का इन्होंने स्टैटिक कास्ट करने की कोशिश किया, टाइप कास्ट करने की कोशिश किया, और पी आई को ये किया, तो 5 प्रिंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या कैसे करना चाह रहा है। पहले तो एन एक वेरिएबल लिया जिसमें इन्होंने 5 वैल्यू डाला। ठीक है, स्टार इन्होंने एक पॉइंटर लिया, इन्होंने एक क्या लिया, पॉइंटर लिया, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है, तो स्टार पी में इन्होंने एन डाल दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अभी क्या किया कि इन्होंने एक नया पॉइंटर लिया, उस पॉइंटर का टाइप इंट रखा, और इन्होंने क्या किया, पी जो था, जो इसका जो पी जो था यहाँ पे वाइड था ना, इसको पी को इन्होंने क्या किया है कि स्टैटिक कास्ट करके इंट में कन्वर्ट करके इसको इस पी में स्टोर कर दिया है। ठीक है, सॉरी, ये पी आई है, नॉट पी है, ये पी आई है, है ना, इस पी आई, नया जो पी आई, पी आई लिया था उसमें पी को इंट में टाइप कास्ट करके पी आई में स्टोर कर दिया। ठीक है, इसलिए ये सही हो जाएगा, 5 दे देगा आंसर। वट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग C++ कोड, क्या हो जाएगा इसका आउटपुट। ठीक है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग बैक, अब इसका काम क्या होता है ना,
कि जो भी आपका स्ट्रिंग है उसमें एक को पीछे से कट करेगा, ठीक है, हेलो है एच ई एल एल ओ डब्ल्यू डॉट अपना पास स्ट्रिंग था, जिन्होंने क्या किया पीछे एक कट करेगा और वहाँ पे क्या डाल देगा एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये सिर्फ सी और सी प्लस प्लस में, ठीक है, सी और सी प्लस प्लस। अभी क्या किया कि इन्होंने मेन लिया, मेन में एक फू को कॉल किया, कॉल यहाँ जो फू यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। सी प्लस प्लस में इसमें एरर मार देगा, क्यों एरर मारेगा, क्योंकि सी प्लस प्लस क्या चाहता है कि जिस फंक्शन को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कंपाइल टाइम में क्या देखेगा कि फू तो है लेकिन फू डिफाइंड नहीं है। तो जब भी आप मेन फंक्शन से आप में आप जिस फंक्शन मतलब मेन फंक्शन में जिस फंक्शन को आप यूज़ कर रहे हैं वो फंक्शन मेन फंक्शन से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये इसके ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर होना चाहिए, तो ये सी प्लस प्लस ओके होगा, ठीक है। लेकिन सी में कैसे भी हो चलेगा, ठीक है ना, सी में ऊपर हो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सी प्लस प्लस में आपको ऊपर होना चाहिए अगर किसी फंक्शन को आप यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, कॉन्स्टेंट इंट जे, जे है जो कॉन्स्टेंट ले 20 लिया है, इसको इसका एड्रेस क्या किया, इस पॉइंटर में स्टोर किया है और इसको प्रिंट करने की कोशिश किया, ठीक है। सी में कोई दिक्कत नहीं है, दिस वर्क्स इन सी प्लस सी एंड सी प्लस प्लस में दिक्कत आ जाता है, ठीक है। सी प्लस प्लस क्या दिक्कत आ जाता है कि इस कॉन्स्टेंट टाइप का जो है उसके एड्रेस को आप सीधा सीधे उठा करके किसी इंट नाम के पॉइंटर में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हजारों कॉन्सेप्ट हैं इसमें, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब इस पर अभी तो समय नहीं है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए चाहे वो आपका स्टेट हो या फिर आपका जो बीपीएससी का ट्री है वो हो 3.0 जो भी होना है आगे, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं उनके लिए मैं मतलब एक्सप्लेनेटरी मतलब चैप्टर वाइज वीडियो लाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कहाँ पे, हाँ ये, व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग लाइन इज एग्जीक्यूटेड इन सी एंड सी प्लस प्लस में, इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो सी में कोई दिक्कत नहीं है, मेलॉक क्या है, मेलॉक एक फंक्शन है, न्यू क्या था ऑपरेटर था, मेलॉक क्या था एक फंक्शन था, फंक्शन वॉइड रिटर्न था, वॉइड रिटर्न था, रिटर्न टाइप क्या है इसका, वॉइड है। तो सी में क्या कोई दिक्कत नहीं है, वॉइड रिटर्न है, उसको टाइपकास्ट करके सी जो है सक्सेसफुल चल जाएगा। लेकिन सी प्लस प्लस में दिक्कत हो जाएगा क्योंकि वो वॉइड रिटर्न कर रहा है, उसको हम इंट में ये करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा टाइपकास्टिंग लेकर के ये सीरियस होता है, इसमें कुछ यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है ना। ऐसे अभी हमने किया था ना कुछ देर पहले, इंट करके इसको थोड़ा बनाते हैं, अंडर में मेलॉक डाल करके, ठीक है, स्टैटिक कास्ट या टाइप कास्ट कुछ करके लिखना होता है, ठीक है, ऐसा कुछ करके होता तो चल जाता काम। पंद्रह नंबर सवाल, व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग लाइन इज एग्जीक्यूटेड इन सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है, सी एंड सी प्लस प्लस। अभी क्या है ना इसमें कि सी में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी में, सी मतलब बहुत मतलब ट्रिवियल टाइप का एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें मतलब ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें लिखना बहुत पड़ता था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उसको कंप्रेस करके सी प्लस प्लस आया, उसको कंप्रेस करके जावा आया। सी प्लस प्लस के मैंने बहुत सारे लाइब्रेरी जो हम लिखते थे एक्चुअली वो जावा में लिखा लिखाया आता है, बस आपको इम्पोर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या सी प्लस प्लस क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपने कॉन्स्टेंट इंट बोला है किसी वेरिएबल को तो इसको आप उसी टाइम पर इनिशियलाइज़ कीजिए, अगर इनिशियलाइज़ आपने नहीं किया है तो वहाँ पर एरर मार देगा, लेकिन सी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले पे आते हैं, इसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अब इसमें क्या है कि सी में अगेन सी आपको बताया मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है, सी कैसा भी हो सकता है, तो ये सी में कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन सी प्लस में दिक्कत करेगा क्योंकि वाइड जो है रिटर्न टाइप मेन का नहीं होना चाहिए, इंट होना चाहिए, ठीक है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट हैपेंस इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। तो इस तरह का एक सवाल आया था, तो आपको ये समझना चाहिए कि जब हम ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, तो C++ में क्या मायने होते हैं और C में क्या मायने होते हैं, ठीक है ना। तो C में क्या मायने होते हैं इसके पहले ये देखते हैं। C का मायने होता है कि फंक ऐसा है, एक फंक्शन है जिसके अंदर आप वेरिएबल मतलब सॉरी पैरामीटर्स भेजें नहीं भेजें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भेजेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भेजेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो लेने दोनों लेने के लिए तैयार है। C++ ये था आपका C के लिए, C++ के लिए क्या है आपका, ठीक है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर कि आपका वाइड लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है मतलब क्या लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट वाइड है, ठीक है, वाइड मतलब कोई हमको एक भी हमको ये नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर नहीं चाहिए, सी प्लस प्लस का कहना है।
कि आपने अगर खाली छोड़ा है तो मतलब वाइड है और यहाँ पर कुछ नहीं भेजना है आपको। तो इसलिए क्या होगा ये कि जब हम इसको सी से कॉल करेंगे, तो सी से कॉल किया एक बार हमने, खाली खाली कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या प्रिंट कर देगा आपका, हेलो प्रिंट कर देगा। जब आपने दो भेजा सी में तो भी हेलो प्रिंट कर देगा, मतलब दो बार हेलो प्रिंट हो जाएगा इसमें। सी प्लस प्लस में क्या होगा, ठीक है, सी प्लस में जब इसको कंपाइलिंग करेंगे ना, सॉरी जैसे ही रन करेंगे एरर मार देगा। क्यों एरर मारेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो चल जाएगा लेकिन ये वाला पार्ट आपको एरर मार देगा, क्योंकि इसने क्या बोला है कि वाइड है, मतलब कि आपको कुछ स्ट्रिक्टली कुछ नहीं भेजना है, यानी आपने यहाँ पर दो भेज दिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है। ठीक है, लास्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रोवाइडेड बाई सी, सी के द्वारा कौन सा इसमें से फीचर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो रेफरेंसेस का जो ये है फीचर है वो सी के में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, वो अपग्रेडेशन है काइंड ऑफ, जब आप सी प्लस प्लस में जाते हैं तो अपग्रेड करके आपको जो कोडिंग लैंग्वेज मिलता है वो है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ था, अगर इस फंक्शन के जगह पे आपका ये लिखा होता, सपोज कि ये मतलब ये नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, फंक लिखा हुआ, फंक के बाद वाइड लिखा है और फिर ब्लैक ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है, पहले वाला सवाल हम लोग देख चुके हैं, ये दूसरा सवाल है, ठीक है, ये वाइड लिखा, तब क्या होता, ठीक है, तब आपने जब वाइड लिख दिया तो सी को भी वाइड मानना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए, ठीक है, सी प्लस प्लस में तो बाय डिफ़ॉल्ट ही चल रहा था वैसे, लेकिन अगर आपने लिख दिया तो अब बाय डिफ़ॉल्ट वाली बात सी में नहीं रहा, जो मैंने आपको दो केसेस बताए थे कि आप भेजे तो अच्छा, नहीं भेजे तो अच्छा, ठीक है, तो ये यहाँ पर लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा, क्योंकि आपने वाइड लिख दिया, यानी कि सी भी मान के चल रहा है कि आप कुछ नहीं भेजेंगे, तो जैसे ही आपने यहाँ से कुछ भेजा है इसको ये एरर मार देगा सी में भी, ठीक है, एरर इन सी, ठीक है। अगर अब फिर अगेन सी प्लस प्लस में जाएंगे तो सी प्लस प्लस हम लोग देख चुके हैं कि पहले भी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वाइड मान के चल रहा था तो एरर मार ही रहा था, तो यहाँ तो लिख के दिया है, पहले तो मान रहे थे कि ऐसा है ना कि वाइड कुछ नहीं लिखा मतलब वाइड होगा, लेकिन यहाँ तो आपने लिख दिया तो यहाँ पर वाइड जो है यहाँ पर भी एरर मारेगा, यानी अगर ऐसा सवाल आता है तो ये दोनों केस में आपका ए आंसर सही हो जाएगा, दोनों ही में एरर मारेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एक्चुअली क्या पूछा गया है, ठीक है। अगर आपने वाइड लिख दिया तो दोनों में एरर मारेगा, क्योंकि आपने क्या किया है कि यहाँ से एक वैल्यू पास किया, लेकिन आपने अगर वाइड नहीं लिखा तो सी प्लस प्लस एरर मारेगा, क्यों मारेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस वाइड मान के चलती है, लेकिन सी में क्या है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइड नहीं मानती है, भेजा तो अच्छा, नहीं भेजा तो भी अच्छा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।